यहाँ से रेफर होके यहाँ सुशीला तिवारी हल्द्वानी आया हुआ हूँ, और कल से मेरे बच्चे को किसी भी चीज़ से कोई भी एक फिजिकल टच तक डॉक्टर द्वारा नहीं किया गया, जबकि इसको रेफर वहाँ से इसको उसमें वेंटिलेटर में रखने के लिए भेजा गया था, और मेरा बच्चा अब नहीं रहा। नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट फिर आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज फिर एक दुख भरी कहानी आई है हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से, जहां एक नवजात शिशु को इलाज नहीं मिल पाने के कारण में, लापरवाही के कारण में एक नवजात शिशु की जान चली गई है, जिसके बाद में उनके परिजनों ने मेरे से संपर्क किया और बताया कि उनके साथ में क्या कुछ हुआ। तो मित्रों, आखिर कब तक हम अपने परिवार वालों का, अपने परिजनों का, अपने बच्चों का कब तक यहाँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में लापरवाही के कारण में बलिदान देते रहेंगे, कब तक बलि देते रहेंगे? आखिर क्यों स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों यहाँ पर जांच नहीं की जा रही है कि यहाँ पर जो लापरवाही है वो कंट्रोल क्यों नहीं की जा रही है? मैंने इतनी बड़ी आवाज़ उठाई, पूरे प्रदेश स्तर तक वो आवाज़ गई, उसके बाद में भी जिस तरह से वहाँ पर डॉक्टर के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो इनके हौसले काफ़ी बुलंद है, जिसके कारण में ये लापरवाही यहाँ पर करते जाएंगे और ये आने वाले जो भी पेशेंट वहाँ पर आता है उसको मात्र एक शिकार के रूप में ही देखते हैं, उसका कोई सुनते नहीं और ना ही उसको कोई देखरेख होती है। आज इतनी बड़ी आवाज़ उठाने के बाद में भी वहाँ लापरवाही बिल्कुल कम नहीं हो रही है, तो आइए आज हम बात करते हैं इनसे, जिनका भी एक नवजात बच्चा खोया है, क्या दर्द होता होगा एक परिजनों के ऊपर में जो 9 महीने इंतज़ार करते हैं खुशियों का, लेकिन वो खुशियाँ आने से पहले ही जब वो ढल जाती हैं तो कितना बुरा लगता होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसकी कल्पना वही कर सकते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं इनके साथ में क्या गुजर रही है उसके ऊपर में, आप देख सकते हैं वीडियो, देखिए आप किस तरह रो रहा है बच्चा वहाँ पर कि हमारे बच्चे के साथ में क्या हुआ करके, आप देख सकते हैं क्या हालात होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं पूरा हाल आखिर क्या हुआ, और वीडियो आप आज शेयर भी करना, क्योंकि आप कब तक किसी पार्टी का, मैं आज किसी धर्म के लोगों से नहीं, किसी पार्टी के लोगों से नहीं, किसी जाति के लोगों से नहीं, बल्कि ये सर्व धर्म सर्व जाति सभी लोगों के लिए है, क्योंकि हम सभी लोगों को सुशीला तिवारी हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वहाँ हम लोग के साथ में क्या क्या होता है वो आप भी देख लीजिए। मैंने आवाज़ उठाई, लोगों ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब आए दिन लोगों के सामने बीत रही है तो उनका जब दुख दर्द देख रहा हूँ तो मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ की पीड़ा को देख के आया हूँ, वहाँ की पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। तो बात करते हैं, आइए वीडियो आज जरूर शेयर करना अपने मित्र। हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी, क्या क्या हुआ आपके साथ, आपका नाम क्या है एक बार जरा हमें बताने की कृपा करेंगे? जी सर, मेरा नाम अर्जुन सिंह रौतेला है जी। मेरे मेरे भाई की बेटी हुई थी कल। अच्छा, वो हुई थी खैरना में। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहित बिष्ट बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा मोहित जी, हाँ तो ये क्या कहते हैं, खैरना से जब मैं हम यहाँ पर रेफर किया गया था बच्चे को, क्योंकि उनके पास आधुनिक तकनीक वाली मशीन नहीं थी। हाँ, वेंटिलेटर यानी कि वेंटिलेटर मशीन यहाँ नहीं थी जी। तो उन्होंने यहाँ भेजा कि बच्चे को ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी तो वेंटिलेटर में रखेंगे, इसलिए उन्होंने सुशीला तिवारी हमें रेफर कर दिया। ठीक हो गया। जब हमें यहाँ रेफर किया गया था तो हम यहाँ लेकर के आए, सबसे पहले तो जैसे अंदर लेके हमने बच्चे को देखो, वो ये कहने लगे पहले बच्चे को माँ का दूध पिलाओ, उसके बाद हम चेक करेंगे। अच्छा, अब माँ का दूध पिलाया बच्चे को, माँ का दूध पिलाने के बाद डॉक्टर ने देखा भी नहीं, बच्चा सही है बोल दिया, मतलब खाली एक वो लगाया बच्चा सही है, आप बच्चे को माँ के साथ ऊपर ले जाओ। हाँ, ऊपर आए, ऊपर आने के बाद माँ को अंदर ले गए, माँ को अंदर ले गए टाके वगैरह लगाने के लिए, हम बाहर से बैठे थे, हम ये लगा लीजिए 3:30 बजे यहाँ आ गए थे, उसके ऊपर आने में लगा हुआ आधा एक घंटा, उस वक्त से हम रात के 10 बजे तक बैठे थे। मैंने इतना तक बोला एक यहाँ पर को अंदर स्टाफ से कि बच्चा सांस लेने में इसको शायद दिक्कत जैसे आ रही है, एक बार देख लीजिए, वो उस बात पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। अच्छा, यही कह रही थी कि क्या यार देखो कितने अभी कितने पेशेंट है तुम्हारा, पहले उनको देखो तुमको दे दू। मैंने कहा हम इतने बजे से आए हैं, आप हमें दे रहे हो, उनको वो कर रहे हो, बेड अलॉट करने के लिए बोला बेड, हमसे पहले जो हमारे बाद जो आए थे जिनका यहाँ पर हुआ बच्चा उनको बेड मिल गया, लेकिन हमें बेड नहीं मिला, मैंने लड़ झगड़ के बेड लिया। मैंने ये तक कहा कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप वो बता दीजिए, हम कहीं और जगह ले जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ यही था कि मैं कहीं और जगह ले जाता, मैं कहीं प्राइवेट में दिखाता। सही बात, नहीं आप 5 मिनट रुक जाइए, हम अभी वो करा रहे हैं। फिर उन्होंने उनसे बोला यार बच्चे को तो देख दो, इमरजेंसी में दिखाओ। ठीक हो गया, जैसे इमरजेंसी में ले जाने गए थे वहाँ के एक स्टाफ के भाई अभी डॉक्टर आएंगे, हाँ यहाँ देख लेंगे। राउंड पे ना डॉक्टर आया ना किसी ने देखा अच्छा खासा, मतलब मैं आपको बच्चे की वीडियो भेजूंगा, बच्चे की वीडियो देखोगे ना कि आप कहोगे कि जिंदा जिंदे बच्चे को इन्होंने मार दिया है। अरे ये आपका गांव कौन सा पड़ता है? मेरा हरतपा गांव, जिला नैनीताल और पोस्ट ऑफिस आतीघाट। अच्छा अच्छा, ये लड़की कहाँ, वहाँ बसगांव की है, नैनीताल घाट की कहाँ की है? ये है
लड़की हरतपा की है, मतलब जो होती है बर्धो की है। अच्छा बर्धो की, मतलब जो, हाँ, हाँ, जो वो बच्ची की माता है। हाँ, बच्ची की माता जो है बर्धो की है। ठीक ठीक बर्धो बेताल घाट की है ना। हाँ जी जी, तो काफी दुख हुआ ये सुन के हमको, हम क्योंकि नवजात बच्ची की जान गई है, उसके लिए हम तो यही देते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ जिस हमारे तो हो गया, आगे से यहाँ पर किसी के साथ ऐसा ना हो। जी जी बिल्कुल, अभी तो होते, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आजकल ये पहला केस है, यहाँ 2-3 केस हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ का स्टाफ पूरा चेंज किया जाए, यहाँ का स्टाफ को कड़ी से कड़ी मतलब वो रखा जाए कि आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो, हर किसी को देखें जैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी क्योंकि संवेदनाएं हमारी आपके साथ में है, हम समझ सकते हैं आपको दुख किस प्रकार हो रहा होगा। मैंने देखा अभी जो वीडियो मेरे पास आया, वो रोते हुए रो रहे उसका पिता बच्चे का। अब बताइए ना कितनी उम्मीद से, मतलब हमारे खानदान में बहुत टाइम बाद ये लड़की पैदा हुई, हम खुश थे इस चीज के लिए। अरे तो मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं कह रहा कैसे संभाला खुद को, मुझे पता है। जी 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 बिल्कुल, आप अपने आप को संभालिए, और मैं सभी प्रदेशवासियों से भी ये गुहार करूंगा कि इनको न्याय दीजिए, क्योंकि ये औरों के साथ ना हो। अब जो कुछ आपके साथ हो जाए, बस ये अभी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, इनकी आवाज दब जाएगी। हाँ हाँ हाँ, नहीं आपकी आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा, बुलंद किया जाएगा आपकी आवाज को। मैं अपने लिए नहीं, हम तो चलो आज के बाद हम कभी यहाँ आएंगे ही नहीं, भविष्य में हम दिखा देंगे, चलो प्राइवेट हॉस्पिटल दिखा देंगे, पैसे लगेंगे लगेंगे, चलो हम तो दिखा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, उनके लिए क्या होगा यहाँ पर? वही 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 जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो ये, मैं तो सोचता हूँ उनको लात मार के भगा देते होंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं चाहिए कभी। जी ऐसा ही हाल होता है, मैं रहा हूँ 16 दिन यहाँ मैं भी। आपका मैंने तो आपका भी सुना था कि आपका भी कुछ ऐसे केस हुआ था। हाँ मेरे पिताजी के साथ ऐसा ही किया था, मैंने उसके लिए आवाज बुलंद करी, जिसके लिए यहाँ वो डॉक्टर को हटाया भी नहीं गया, इसलिए तो मैं भी आवाज उठा रहा हूँ कि आखिर क्यों इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है ना, इसलिए मैं भी आपकी आवाज बनके आपको भी न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। ऐसा स्टाफ को भी नहीं रखना चाहिए, तो मैं तो इस बार मान रहा हूँ, चलो डॉक्टर के नीचे इमरजेंसी वाली डॉक्टर की गलती है, और प्लस ऊपर स्टाफ को अगर मैं कह रहा हूँ, तो एक बार वो मुझसे, चलो वो देख नहीं सकती, मुझसे बोल तो सकती है, भैया आप जल्दी से जल्दी नीचे लेके जाओ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नर्स चलो देख सकती है कि यह बच्चा कैसा है। अब मैं आया, मेरे से डॉक्टर ने बोला कि मेरा आपका बच्चा बिल्कुल अच्छा है, मैं तो अपने आप ही चिंता मुक्त हो जाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बच्चा अच्छा है, तो मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊंगा। फिर तो ठीक है, मैं लोगों के से उम्मीद करूंगा कि वो आपकी वीडियो को देखेंगे और जन जन तक पहुँचाने कार्य भी करेंगे। ठीक सर, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसको आगे तक पहुँचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक है, हम आपके साथ में है, इस लड़ाई में हम आपके साथ में है, और क्या कर सकते हैं, जो हुआ वो हो गया, और आप संयम बनाए रखें और परिवार वालों को भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वही ठीक सर, ठीक।